Hello students, good morning. Today we will talk about our environment chapter 5, class 10. आज हम बात करेंगे our environment का topic है managing of garbage. We produce, ठीक है, जो garbage हम produce करते हैं उसको कैसे manage करना चाहिए. You are welcome on your online classes, SETS. Today's topic is managing the garbage. We produce. इसका मतलब क्या हो गया, जो गार्बेज हम प्रोड्यूस करते हैं यानी कि जितना भी वेस्टेज है, ऐसी चीजें जो ना तो डिस्ट्रॉय की जा सकती है, मतलब जो हमने बनाई है, ठीक है, वो चीजें तो डिस्ट्रॉय की नहीं जा सकती. जैसे कि बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल में पढ़ा था कि बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं, बट नॉन बायोडिग्रेडेबल में क्या होता है, वो डिस्ट्रॉय नहीं किए जा सकते. तो मैनेजिंग द गार्बेज भी प्रोड्यूस, तो उनका कुछ तो कोई ना कोई तो तरीका होगा इनको खत्म करने का. तो वो तरीके बताए गए हैं उनको कैसे मैनेज करना चाहिए. फर्स्ट रिसाइकलिंग. अब रिसाइकलिंग कैसे होगी, रिसाइकलिंग का मतलब क्या होता है. रिसाइकलिंग का मतलब होता है जैसे कोई भी प्लास्टिक पेपर है, प्लास्टिक पॉलीथीन बैग्स है, तो उनको हम रिसाइकल तो कर सकते हैं ना अपने दोबारा यूज के लिए, उसको किसी प्रोसेस के थ्रू दोबारा उसे मतलब प्रिपेयर करके उसको अपने दोबारा यूज के लिए कर सकते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड रिसाइकलिंग. सेकेंड इज प्रिपरेशन ऑफ कम्पोस्ट. सेकेंड है, या तो हम उसका कंपोस्ट फॉर्म कर ले, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट, या तो उसका हम कंपोस्ट फॉर्म कर ले. कंपोस्ट फॉर्मेशन कैसे होती है, मतलब जितना भी वेस्ट मटेरियल यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स, बायोडिग्रेडेबल तो मतलब पहले ही से मतलब डिस्ट्रॉय किए सकते डिकम्पोजर्स की हेल्प से, बट प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट में क्या था, प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट मतलब जितना भी गार्बेज प्रोडक्ट्स है, मतलब जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट्स है उसका एक कंपोस्ट फॉर्म कर ले, ठीक है. तो सेकेंड तो ये हो गया, फर्स्ट रिसाइकलिंग, सेकेंड प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट, थर्ड इज इंसिनरेशन. इंसिनरेशन का मतलब क्या था, एक इंसिनरेटर मशीन आती है, इंसिनरेटर मशीन जो जिसमें मतलब जो भी गार्बेज प्रोडक्ट्स है, मतलब जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको इंसिनरेटर मशीन में डालकर 1000 डिग्री सेल्सियस पर उसको अगर बर्न किया जाए तो मटेरियल जितना भी बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है. थर्ड इज इंसिनरेशन. तो मशीन कौन सी थी, इंसिनरेटर, इंसिनरेटर मशीन 1000 डिग्री सेल्सियस पर ये अपना जितना भी गार्बेज प्रोडक्ट है उसको डिस्ट्रॉय कर देती है, ठीक है. फोर्थ इज लैंडफिलिंग. तो लैंडफिलिंग में क्या था, लैंडफिल का मतलब क्या हो गया, जो भी हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है उसको मतलब लैंड को खोदने के बाद मतलब उसमें भर के एंड उसको फिर से कवर कर दो, तो सब आफ्टर सम टाइम वो उसी में डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है. एंड फिफ्थ इज सीवेज ट्रीटमेंट. सीवेज ट्रीटमेंट का मतलब है सीवेज वाटर, मतलब जितना भी वाटर वाटर पॉल्यूशन जिससे होता है, मतलब जितना भी वाटर में हम अपना वेस्ट प्रोडक्ट वाटर में जाता है उसको हमें खुद ही रोकना, सीवेज ट्रीटमेंट मतलब वो वाटर में ना जाने दे, ये तो खुद सेल्फ डिपेंडेंट है सीवेज ट्रीटमेंट. एंड दिस चैप्टर इज कम्प्लीटली फिनिश्ड अवर एनवायरमेंट चैप्टर 5, एंड नेक्स्ट टाइम आई विल स्टार्ट योर नेक्स्ट चैप्टर 6, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज.